अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। और आज हम एक नई वीडियो बनाने जा रहे हैं, और आज हमारे मोहम्मद यूसुफ की सालगिरह है, बर्थडे है, और उसके लिए हम केक लेने टंडोलियार जा रहे हैं और गाड़ी तैयार खड़ी है। अभी एक गाड़ी वाले ने हमारे सामने गेट के अंदर टायर खोल के बैठ गया था, जिसकी वजह हमें लेट होने लगी है। तो अभी उन्होंने टायर लगा रहा है और टायर लगा के हम निकलेंगे अभी टंडोलियार की तरफ। हमारे अली वाइट पर ही तैयार खड़ी है, मजीद अब चलते हैं टंडोलियार की तरफ। फाज भाई हमारे अभी क्रिकेट खेलने में मसरूत है, ये आप देख सकते हैं सामने से ग्राउंड में से पैदल चल के आ रहे हैं, और हमने इसको बोला कि जल्दी आ जाए, तो टंडोलियार चलना है। अभी टंडोलियार जाके हमने केक बनने के लिए आर्डर दिया हुआ है, केक हमारा तैयार हो गया होगा, उस केक को उठाएंगे और एक दो काम है टंडोलियार में और निपटा कर और फिर वापसी निकलेंगे। शाम को हमारे बेटे मोहम्मद यूसुफ की सालगिरह है, तो उसको मैं सेलिब्रेट करना है। फाल भाई हमारे बाहर आ खड़े हो गए और अब ये बैठने की तैयारी है। बाहर बाहर बच्चों को हाथ हिलाते हुए कि हम जा रहे हैं और थके हुए भाई बहुत। हाँ थक गए आजकल, ये काफी एक्टिविटी करते रहते हैं कि अपने आप को फिट रखा जाए, पर क्या करे, बैठने वाले लौंडे हैं, सारा दिन कुर्सी में बैठे हैं, पेट हमारी चीज चली जाती है उसे रिकवर। हाँ ये बात सही है कि जो चीज चले जाए, कैसे सांस चढ़ा है भाई को, मेरी सलाह आप चले टंडोलियार। ठीक हो गया। इस टाइम फाइनली हम टंडोलियार पहुंच चुके हैं और एक गली के अंदर शॉर्ट कट लिया जा रहा है, पीछे गाड़ी खड़ी कर दी है। अब ये एडी फूड वालों के पास जा रहे हैं, वहाँ से केक भी उठाएंगे और थोड़ा देखेंगे, हल्की फुल्की पेट पूजा भी करके देखेंगे क्या फूड बनता है। और इस वक्त आज जुमे का दिन है, गलियाँ भी थोड़ी थोड़ी सुनसान लगी पड़ी हैं, और चलते हैं बी ए डी फूड पर। इस वक्त हम ए डी फूड पॉइंट पर बैठे हैं और हमने सोचा कि कुछ खा लिया जाए, हल्का फुल्का, और दो बोटी रोल मंगाए और हमारे पास भाई ट्राई करने लगे, हम दोनों ट्राई करेंगे। और हमारा केक तैयार पड़ा, इस टाइम जाके केक उठाएंगे थोड़ी देर के बाद, केक उठाते हैं और फिर ब्लैक एंड ब्राउन ब्रेक बेकरी पर भी जाना है, तो मिलते हैं भी केक उठाकर। इस वक्त केक हमारा आ चुका है, इसके ऊपर नाम लिखा जा रहा है, हैप्पी बर्थडे मोहम्मद यूसुफ, एम यूसुफ और उम्मे हबीबा भी लिखना है। ये इनकी बेकरी है, इनके केक आइटम ये पड़ा हुआ है, उम्मे हबीबा, मोहम्मद यूसुफ और उम्मे हबीबा। दोनों को राजी करना है, केक पर नाम लिखवाने के बाद अभी हमने उठा लिया है और गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी है और उम्मीद करते हैं हमारा आइस केक सही रहे, पिघले ना, पिघलेगा तो वैसे भी मौसम सही हो गया। और अभी केक उठाने के बाद रोड क्रॉस करना, सामने ही हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और गाड़ी के हम करीब पहुंच चुके हैं। एक एक छोटा रोल ट्राई किया था, ये रहा गाड़ी की छत पे केक, और अभी इसको अंदर रखते हैं। इस वक्त ब्लैक एंड ब्राउन में आए थे और हमने पेस्ट्रियाँ लेनी थी वो ले ली हैं, और खास भाई हमारे पेस्ट्री को ट्राई कर रहे हैं, और ये उनका केक का डिस्प्ले लगा हुआ है, नीचे पेटियाँ लगी हुई हैं। और आप भाई कैसा टेस्ट है? जबरदस्त मजे डाल दिया। तो अभी पेस्ट्री हमने लेनी है और अभी हम गाड़ी में चल के बैठते हैं और हम भी थोड़ा खा के टेस्ट करते हैं कि कैसा टेस्ट है। इस वक्त ये लावा पेस्ट्री इनकी हम ट्राई कर रहे हैं और क्या है उसमें मज़ा है, बहुत मज़ेदार की। और अभी ड्राइविंग सीट पे हमारे फाल भाई आ चुके हैं, अभी हम निकले हैं संजय चांग की तरफ वापस, तो उधर सारे इंतज़ार कर रहे हैं केक का, जल्दी से उनको केक पहुंचाएं और खुद भी खाएं, उनको भी खिलाएं, इंतज़ार में बैठे हैं हैप्पी बर्थडे के। तो मजीब भी मिलते हैं संजय चांग मिल के घर पहुँच कर बच्चों को केक का सरप्राइज देते हुए।
इस वक्त हम चंबड़ पहुंच चुके हैं और फाद भाई को भी हम यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, फिर हम ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे। तो मजीद अभी संजय चांग की तरफ जाने की रवाना होंगे, काफिला रवाना रहेगा और बच्चे इंतज़ार में बैठे हैं। अभी फाद को हम यहाँ पर अलविदा कहेंगे, हमने कहा है रात को आ जाएं खाना साथ खाते हैं, और फाद भाई ने जवाब दे दिया, बोले नहीं आप अकेले अकेले खाएं जाके नहीं मज़ा नहीं आएगा। बहरहाल नहीं मान रहे कि मेरे फाद भाई आएंगे नहीं आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे आएंगे, बहरहाल खाने का कंफर्म नहीं कहते। अच्छा नहीं, मैं तो बोलता हूँ आ जाना साथ खाएंगे, आगे करते अच्छे नहीं करें, अल्लाह बड़ा अल्लाह तो बड़ा है। चलो ठीक है मिलते हैं आगे, अभी संजय खाने के साथ। फाइनली इस टाइम हम सामने पहुँच चुके हैं और ये गाड़ी गैराज है हमारा, जहाँ पे हम गाड़ी खड़ी करते हैं दुकानों में। तो अभी इंतज़ार किया जा रहा है कि बंदा आए और गेट खोले और हम गाड़ी अंदर खड़ी करें, तो अभी देखते हैं कितनी देर में बंदा आता है, तो गाड़ी अंदर खड़ी करते हैं। और ये बंदा पहुंच चुका है, अभी हम गाड़ी खड़ी करेंगे अंदर और जाके घर फिर बच्चों को केक देंगे, फिर देखते हैं क्या बनता है हमारे साथ। इस टाइम हम घर पहुंचे और ये हमारे बच्चा पार्टी भी सारी मस्ती में लगी हुई है और एंजॉय कर रहे हैं। ये देख सकते हैं हमारा साथी अबू बकर, मोहम्मद यूसुफ अंदर चले गए। चलो बात करो, बात करो तू कर। शादी नहीं सालगिरह है, तू कहाँ जा रहा है? हाँ ये नहीं अभी नहीं फाड़ना, फिर तूने कपड़े चेंज नहीं किए, ऐसे ही दे रहना है। हाँ, सही। और अभी घर हम फाइनली पहुंच चुके हैं, आज हमारा एक बंदा बीमार पड़ा है, अजीब साहब चावल मारता रहता है, स्ट्रिंगे पीता रहता है, चढ़ा हुआ है। और ये आज हमारे खादम भाई को हमने दावत दी थी, वो भी आए हैं, उम्मा हबीबा भी तैयार होकर बैठी हुई है, रेड सूट पहना हुआ है, टोपी पहनी है हबीबा? नहीं, ये नहीं, कितना पारा सूट पहना है वेलवेट का है, उठ जा ए चौल नहीं देने फिर असी, प्रोग्राम बढ़ गया, प्रोग्राम बढ़ चला सी, केक उन्हें एवं रखा, मैं कहता प्रोग्राम वाड़ी ना जाए। इस वक्त हमारे कबाब तैयार होने को हैं और इधर कुछ चिकन वगैरह पक रहा है, कुछ पका भी हुआ है, बिरयानी हमारी तैयार पड़ी है, तो आपको बिरयानी भी हमारी चेक करते, सेवा वाली बिरयानी बनी है, अभी रायता भी तैयार होने वाला है। फाइनली हमारी तेरे वाली बिरयानी तैयार है और अभी खाने का इंतज़ार है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बच्चा पार्टी चल रही है, तो अभी ये पतीला ऊपर जाएगा तो फिर सब में सर्व की जाएगी और फिर खाएँगे हम। तो हमारे बच्चा पार्टी और बड़ा पार्टी दोनों कबाब इंजॉय कर रहे हैं, और ये हमारे जिसकी सालगिरह और बड़ी टोपी पहन के इधर देख, यूसुफ यूसुफ इधर तो देख, टोपी तेरी गिर गई, ये हमारे बीमार भाई आ चुके हैं, इसको बुखार है, इसका प्रोग्राम अड़ गया है। ये हमारे अरफान भाई भी आ गए, उनके सामने हबीबा, पीछे हमारे उस्मान भाई हैं, और ये अभी सारा खाना पीने गए हैं, प्रोग्राम स्टार्ट होने लगा है, बिरयानी तैयार हमारी ऊपर आ चुकी है, तेज लगे पड़े हो। सबसे मौजूद शख्सियात ये हमारे हमजा भाई भी आ चुके हैं, और ये इसके जेब में वैसे सांप बैठा हुआ है, देता तो कुछ भी नहीं है, और अभी हमारे साथ खाना खाने के लिए आए हुए हैं। खून उतर गया। इस वक्त हमारे अरफान भाई भाई बिरयानी पार्टी स्टार्ट होगी, ये हमला भाई लगे हुए हैं तैयार, तैयार की गई है, और ये हमारे खादम भाई दबदबा लगी पड़ी है, नान स्टॉप सुना भी नहीं मांग रहा, और सादिक भाई ध्यान दिए। इस टाइम मोहम्मद यूसुफ तैयारी करके बैठा है केक काटने की, और ये हमारी हबीबा बेटी है, स्क्रैच की सुने, और ये हमारा केक तैयार है, सामने रेडी है काटने। ये मोहम्मद इब्राहिम क्या कहना आपका, और यूसुफ टोपी में फंस चुका है।
कार्ड अभी कार्ड कट 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 जल्दी कर इस वक्त बोतलें पी जा रही हैं और बीमार होने का फुल डोज तैयार हो रहा है। गला खराब बुखार के लिए और अभी बने वहाँ सामने चावल खराब किए हैं, अभी दूसरी प्याली में लगा कर अभी सोफे पर रख के खा रही हैं और इधर बोतल चल रही है उधर चावल चल रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ऐसे फाइनल हो गया है और केक पेट में बढ़ गया है। तो इसी के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ और एक नई उम्मीद के साथ। खुदा हाफिज़।